हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से एक बार। आज हम बात करेंगे टू फल और फोर फल में क्या अंतर है, वो एक्चुअली टू फल और फोर फल क्यों होता है, उसका पीछे का क्या रीज़न है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी किसी किरण में आप देखे होंगे कि जो हुक होते हैं, जो किरण होती है उसमें दो आयर रोप लगा होती है, और किसी किसी में आपने देखे होंगे कि चार चार जो है आयर रोप लगा होती है। तो एक्चुअली ये होता क्यों है, क्योंकि बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसको करना क्यों ज़रूरत पड़ता है, टू फॉल या फोर फॉल ज़रूरत क्यों होती है करने का। तो आप देखे होंगे कि जब फर्स्ट टाइम जो है जब किरण को लगाते हैं कहीं भी स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम जब कहीं भी मतलब किरण इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम जो है उसको फोर फॉल में रखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो किरण जहां भी मतलब यूज होते हैं लगते हैं, काफ़ी भारी भारी जो है लोड उठाना पड़ता है, तो इसके लिए जो है फोर फॉल का यूज होता है। और फिर जैसे जैसे जो है किरण हाइट होते हैं, बिल्डिंग हाइट होते हैं, फिर किरण भी हाइट कर दिया जाते हैं, तो उसके बाद आप देखे होंगे कि टू फॉल कर दिया जाता है। तो एक्चुअली यही होती है टू फॉल और फोर फॉल का रीजन। तो जब फर्स्ट टाइम जब किरण लगते हैं, तो उस टाइम जो है फोर फॉल कंपलसरी रखना ही पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जो है मालूम नहीं है कि टू फॉल किसे कहते हैं, फोर फॉल किसे कहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है कि जहाँ भी आप देखोगे कि हुक में जो है दो वायर रोप है उसको टू फॉल कहते हैं, और जिसमें जिस हुक में चार वायर रोप है उसे फोर फॉल कहते हैं। तो आप लोगों ने जान चुके होंगे कि टू फॉल किसे कहते हैं या फोर फॉल किसे कहते हैं, और टू फॉल और फोर फॉल जो है उसको करना ही क्यों पड़ता है, मैं आप लोगों को वीडियो में बता दिया हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। किरण जो स्टार्टिंग में लगते हैं उस टाइम फोर फॉल करना पड़ता है कंपलसरी। तो जैसे जैसे बिल्डिंग का हाइट होते है और किरण भी हाइट होती है, तो उसके बाद जो है टू फॉल कर दिया जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये किरण का कंपलसरी जो है इसका रूल्स है, ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप लोग कहीं भी अगर पूछा कि टू फॉल किसे कहते हैं, फोर फॉल किसे कहते हैं, तो आप लोग जो है आसानी से इसी तरह बता सकते हो कि टू फॉल किसे कहते हैं और फोर फॉल किसे कहते हैं।